अगर आप मुझे जाहिल कह रहे हैं तो आप एक माशरे की औरत को जाहिल कह रहे हैं। 95 बहुत बड़ी एक तादाद है, तो क्या आप अपनी माँ को भी जाहिल बोल रहे हैं, फिर अपनी बहन को भी जाहिल बोल रहे हैं? मर्द हैं, उनको मौका मिल जाता है औरत को बुरा बोलने का, तो आपको नहीं बोलना चाहिए था ऐसे। आपने जाहिल बोला है, आप सॉरी बोल। पाकिस्तान की 95% खवातीन जाहिल हैं, ऐसा कहना है साहिल अदीम का। और एक टीवी चैनल के शो पर एक खातून से उनका मुकालमा होता है। तो औरतों का लें, 95% ऐसी अज्जड़ और जाहिल मिलेंगे उनको पता ही नहीं होगा। 95% ऐसी अज्जड़ और जाहिल मिलेंगे उनको पता ही नहीं होगा। जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त जहरे बहस बना हुआ है, आइए जानते हैं कुछ खवातीन से कि उनका इस मामले में क्या कहना है। तो उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए वुमेन की। आप इस तरह आके टीवी पे बोल रहे हो तो बाकी जितनी भी आवाम होती है, जितने भी मर्द हैं, उनको मौका मिल जाता है औरत को बुरा बोलने का, तो आपको नहीं बोलना चाहिए था ऐसे। स्टैट्स पे बहुत बिलीव रखती हूँ मैं, तो ये जो उन्होंने जो रिसर्च निकाली है ना कि 95% औरतें जाहिल हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने किन लोगों के ऊपर रिसर्च की है और किन लोगों को देख के उन्होंने बता दिया है कि हाँ ये खवातीन सब जाहिल हैं। 95 बहुत बड़ी एक तादाद है, तो क्या आप अपनी माँ को भी जाहिल बोल रहे हैं, अपनी बहन को भी जाहिल बोल रहे हैं? किस बेसिस पे आप जाहिल बोल रहे हैं इतनी खवातीन को? बात यह कि हमें अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं, हमें बाहर ज़्यादा निकलने नहीं दिया जाता क्योंकि पाकिस्तानी कल्चर। और दूसरी बात यह कि अगर आपको कोई टर्मिनोलॉजी नहीं पता, जैसे कि अगर मेरी कोई फील्ड है, अगर मैं अपनी कोई फील्ड के रिलेटेड कोई साइंस रिलेटेड साइंटिफिक वर्ड पूछूं और वो आपको नहीं पता हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ नहीं आता और हम जाहिल हैं। उस टाइम पे शी वाज रैश, उसका पॉइंट बिल्कुल अलग था। वो ये नहीं सुनना चाह रही थी कि ताहूत के क्या मायने हैं, क्या हदीसें हैं। वो सिर्फ उसका ये पॉइंट था कि आपने जाहिल बोला है, आप सॉरी बोल दो। जस्ट बिकॉज आप एक स्कॉलर हैं और आपको किसी से थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास अब एक आईडी कार्ड है कि अब आप हर किसी को जाहिल डिक्लेयर कर देंगे। होली प्रॉफिट जो थे हमारे, इतनी बड़ी हस्ती हैं, उन्होंने तो कभी किसी काफिर को जाहिल नहीं बोला। एक दफ़ा क्या, हज़ार दफ़ा उन्होंने समझाया, तो हु गिव्स यू द राइट कि आप लोगों को इग्नोरेंट या जाहिल बोले? जहाँ तक बात है ताहूत की, कि उस दिन हम लोग अपने दोस्तों में डिस्कस कर रहे थे कि वो सिर्फ लड़कियाँ दोस्त नहीं थी, लड़के भी थे, उनको भी नहीं पता था, तो आप टेलीविजन पे आके हमें जाहिल कहने के बजाय उसका मतलब बता दें, तो हमें मतलब पता चल जाएगा, उसके जाहिल कहने वाली क्या बात है? अगर आप मुझे जाहिल कह रहे हैं तो आप एक माशरे की औरत को जाहिल कह रहे हैं, वो माशरे की औरत जो आपको पाल पोस कर बड़ा कर रही है, वो औरत जो आपको पैदा कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, सैडनेस एक वर्ड है, सबको पता है उदासी होता है। मैं बोल दूं मेलंकली, नहीं पता होगा नॉर्मली लोगों को, मेलंकली और सैडनेस एक ही वर्ड है। तो अब मैं क्या बोलूं कि तुम जाहिल हो, तुम्हें ये वर्ड नहीं पता? शिर्क तो पता है सबको कि अल्लाह के अलावा किसी और को पूजना, किसी और को ज्यादा रुतबा देना। शिर्क अगर आप नॉर्मल वर्ड में बोलते, कॉमन वर्ड जो होता है, तो उस लड़की को पता होता। लड़की का रवैया था वो भी गलत था, क्योंकि उन्होंने भी डिसरिस्पेक्ट की कुरान की, कि उन्होंने शायद आयत सुनाई थी या हदीस सुनाई थी, तो उन्होंने बोला कि आप हमें अरबी की आयतें के बताए, तो वो गलत चीज है, ऐसे नहीं करना चाहिए। उसके अंदर तो ईगो तो होनी नहीं चाहिए एज अ स्कॉलर, तो इतना आपके अंदर किस बात का एटीट्यूड है? कयामत के दिन तो सबसे ज्यादा हिसाब होना है लॉयर्स का, जजेस का और स्कॉलर का। पाकिस्तान में सिर्फ एक मुसलमान कौम नहीं रहती, और डिफरेंट बहुत से मजहब के लोग रहते हैं, तो अगर आप इस उस पे सोच के कि इस्लाम की हर नॉलेज, हर बात हर किसी को पता हो, तो ऐसा नहीं हो सकता।